वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आर जी एस टी के हवाले से हुकूमती दबाव और मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से नूरा कुश्ती रस्सा कुशी क्या होने जा रहा है, इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है इंजीनियर अमीर मुकाम साहब ने, सूबाई सदर हैं मुस्लिम लीग काफ के। उनसे पूछते हैं कि वो इस सूरत हाल को किस तरह देख रहे हैं और खासतौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का इस हवाले से क्या मौकफ होगा। अस्सलाम वालेकुम इंजीनियर साहब। अंजीर साहब, ये बताइएगा, ये बड़ी दिलचस्प सी सूरत हाल हो गई है। एक तरफ मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ भी बार्गेनिंग हो रही है, दूसरी तरफ जो रजा हराज साहब को लगा दिया गया है एरा के चेयरमैन, उस पर भी कहा जा रहा है कि शायद मुस्लिम लीग काफ से भी कोई मामला तय पा गए हैं। ये क्या हो रहा है हुकूमत की जानिब से? अरे कोई इंडिविजुअल उसकी जो बात हमें जा रहे हराज की हुई है, उसने हमारी पार्टी लीडरशिप ने उसकी तरदीद भी की है जी, और चौधरी परवेज इलाही साहब और चौधरी शुजात साहब ने पढ़कर स्टेटमेंट भी है कि हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है और ना हमने रिकमेंड किया है ना हमारी कोई डील हुई है और हम आर जी एस टी के खिलाफ है जी। हाँ, वोट देंगे हम खिलाफ वोट भी देंगे और एडी खिलाफ, और ये हम समझते हैं कि इस पोजीशन में कि पहले से आम आदमी का क्या हाल है और मजीद टिक्सों का बोझ डालना या फॉर्म बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो अवामी नुमाइंदों की इसीयत से हम कभी इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। तो ये बात करना कि हमारी कोई डील हुई है फिलहाल, तो हमारे न कोई डील हुई है, हमारा मौका तो टोक है, हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे, हम उसको अपोज करेंगे जिस फोरम पर भी हो। बाकी इंडिविजुअली अगर कोई किसी के साथ ये तो इस पर मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता, और किसी के साथ किए तो इसके पार्टी में समझा जाएगा, हमारी पार्टी इसमें शामिल। अच्छा, ये बताइएगा कि यानी रजा हराज साहब को जब इस हवाले से उनको तो एतमाद में लिया गया होगा ना, तो उन्होंने पार्टी से इस हवाले से बात नहीं की थी कि उनकी इस तरह अपॉइंटमेंट हो रही है? ये बात पहले हमें भी क्लियर नहीं थी और अभी ये बात क्लियर हो गई कि परवेज इलाही साहब की भी स्टेटमेंट आई जो कल के अखबारों में आया कि उसमें उसकी राय शामिल है, उसने कि खुद करके दिया कि मेरा कोई राय शामिल नहीं है, और शुजात साहब की भी स्टेटमेंट आज अखबारों में भी छपी है कि हमारी कोई राय शामिल नहीं है, बल्कि उसने लिख दिया है कि उसको भी मौजूदा हुक्मरानों को हमारी मैंडेट का एहतराम कर लेना चाहिए और इस तरह उनको नहीं कर लेना चाहिए। तो साहब ये बताइएगा कि ये क्या हो रहा है, यानी कि अगर आप देखें अगर बाइकाट करते हैं तो फिर तो ये मंजूर हो जाएगा, असल में तो मुखालफत करनी जरूरी है, मुखालफत में वोट डालना, तभी तो ये ना मंजूर हो सकेगा ना आरजीएसटी। मतलब ना मंजूर तब हो सकता है कि ये मतलब है कि ये लोग जो अभी कहते हैं एमकेएम वाले कहते हैं एनपी वाले कहते हैं जी ना, ये मतलब है कि नून वाले कहते हम कहते हैं कि हम इसके खिलाफ वोट दे रहे हैं, तो फिर ये हमारे लिए भी अभी उसमें कोई जवाब नहीं बनता। मैं जो देख रहा हूँ अभी हुकूमत को इसकी इस तरह बिल्डोज करना उसको भी फायदा नहीं है कि ये लोग खुलकर कहते हैं हमारी पार्टी कहते हैं कि हम इसके खिलाफ है, उनके अंदर जो लोग उनके साथ बैठे हुए हैं कहते हैं कि हम इसके खिलाफ है, तो फिर क्या उसकी क्या जवाब बनता है कि वो हम हाँ हाँ ना से इसको पास करे और ये करे, वो तो कोई ठीक बात नहीं हुई। अभी उनको तो ये आदत ही अक्सरियत तो दिखाना चाहिए ना, अगर 173 चाहिए सिंपल मेजोरिटी वो तो वैसे मैथमेटिकली तो उसको हिसाब किताब करना चाहिए, 130 है मैंने एज ए पीपल पार्टी की है और 25 एमकेएम की है और इतने 10-12 एनपी के और फ्लाग के, इतने तो जमा करके दिखाना चाहिए कि हमारे इतने पार्टीज हमारे साथ है। वही लोग खुल कर कहते हैं जो हुकूमत के अंदर भी बैठे हुए उनके पार्टी से भी मुखालिफत आई, तो मैं कहता हूँ मार ली तो अभी उसमें कोई जवाब बनता ही नहीं। अगर हम वो बिल्डोज करना चाहते हैं कि नहीं हाँ ना हाँ ना से हमने पास कर दिया तो एक और बात है, अगर खुद उनके एलाइज खुद वही लोग जिनके साथ हुकूमत में बैठे हुए वो भी उसको अपोज करते जी, वो भी उसको जालिमाना कानून करार देता है कि ये नहीं होना चाहिए, सही तो उसको वापस लेना चाहिए, उसको ये जब्त नहीं कर लेना चाहिए कि आईएमएफ के डिक्टेशन पर उनको पैसे मिले और पाकिस्तान को भेज दे और फिर उनसे अपनी अयाशियां करे और अपने रेंटल पावर प्लांट और दूसरी चीजें मुकम्मल करे, उनको ये जब्त तो नहीं कर लेना चाहिए पाकिस्तान की कीमत पर। तो ये बताएगा कि आखिर इतनी जिद और हठधर्मी का मुजाहरा हुकूमत की जानिब से क्यों किया जा रहा है, जब उसके इत्तेहादी भी ये बात बार बार कह रहे हैं? आपको सिंपल के लिए इसलिए कर रहा है कि उनको आईएमएफ वाले उनको किस रिलीज करें, उनके पास पैसे आ जाए और उनमें जो उन्होंने कमीशन मुकर्रर किया वो ले ले, सही है क्या बात करें? ये तो आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, मैथमेटिक्स है इसमें और क्या बात। जी हाँ, तो ये बताइएगा कौमी असेंबली के अंदर भी जाहिर है पेश होना है, तो उसकी आप वहाँ पे भरपूर मुखालफत करेंगे डिबेट में, जाहिर है हिस्सा लेंगे आप? हमने कह दिया कि हमारी पार्टी इसकी मुखालिफ है, हम अपोज करेंगे और हमने पहले भी कह दिया है और इंशाल्लाह ताला जब भी मौका है उसको जरूर अपोज। तो ये बताइएगा मकाम साहब, अभी तो एक बड़ा मसला है ना कि अगर ये मंजूर हो भी जाता है तो सूबों ने नाफिज करना है, अगर सूबे इनकार कर दें जिस तरह के पंजाब के वज़ीर आला ने कहा है कि हम नाफिज नहीं होने देंगे आरजीएसटी को, फिर क्या पोजीशन रह जाएगी पार्लियामेंट की? तो कुछ ही नहीं रहेगा, फिर मतलब है कि ये तो पहले इसमें सूबों के खुलकर उनकी
राय भी आनी चाहिए, जरूरी भी है 18वीं तरमीम के बाद, तो ये भी मस्त है। मैं समझ नहीं आ रहा पहले सुबह को ले जाए, सुबह से उनकी रिकमेंडेशन आ जाए, तो ये तो सारी फिर कर लेना चाहिए। मगर हमें पता नहीं है उनको इतनी बहुत जल्दी है कि किसी को कहते हैं कि नहीं पैसा मिलना है, IMF वाले हमारे सर पर खड़े हैं, हमें टेस्ट रिलीज करे और हमें इस टेस्ट को दो तिहाई कहा जाए, बस ये एक बात। बल्कि ये देखें मकाम साहब कि अभी RGST के शोर के अंदर वो हज की करप्शन तो सारी दबी गई, उस पर तो बात ही नहीं हो, असेंबली में बहस नहीं हो सकी सेनेट के अंदर, क्या हज की करप्शन के ऊपर तो बात नहीं हो सकी RGST के शोर के अंदर, तो उस पर आप किस तरह देख रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे जो करप्शन हो रही है हुकूमत की जानिब से? नहीं मतलब ये बात है ना, ये तो वो सारे लोग देख रहे हैं कि एक वतन कार्ड से शुरू करे बड़े बड़े मनसूबों, तो अगर अभी हज को भी माफ नहीं किया जी, खुलकर हुकूमत के लोग कह रहे हैं अभी हमारे गवाही की जरूरत भी नहीं है, खुद उनके वजीर कह रहे हैं करप्शन हो रहे हैं, तो हम और क्या सबूत उनको दे रहे हैं यार। ये अगर हम अपोजिशन में हमारा ताल्लुक है, जो हुकूमत के अंदर आपके कैबिनेट में बैठे हुए कितने इतने लूट मार के करप्शन किए, आपके एम्बेसडर कह रहा है, आपके सारे लोग कह रहे हैं, तो इसे अगर इस हद पर एक चीज पहुंच जाए तो ये पाकिस्तान का हम क्या कहते हैं अल्लाह ताला हिफाजत करेगा। मगर ये जो लोगों ने जिस तरह काम शुरू किया है, तो मुझे तो अगर इस तरह सिस्टम 5-6 महीने और चल गया तो मेरे ख्याल में कुछ रहेगा नहीं। तो अंजीर साहब अगर ये बिल मंजूर नहीं होता है, अगर हम अज्यूम करते हैं, तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी आ सकता है वज़ीर आज़म के खिलाफ, के वज़ाहिर उनकी अक्सरियत नहीं है असेंबली के अंदर। मतलब है कि ये तो मैं कहता हूँ कि ये जो हालात भी है जिसमें कॉन्फिडेंस का वोट पहले से भी लेना चाहिए, ये बात नहीं है नो कॉन्फिडेंस की, बात की बात है कि जब आपके खुद अपने एलाइज ये बात करते हैं एग्जैक्टली और उनकी डबल स्टैंडर्ड है वैसे करते हैं, तो फिर भी मतलब अभी कौम को देने मैसेज गया है कि हुकूमत एतमाद हो चुकी है, कौम को ये मैसेज किया है कि ये पीपल पार्टी के अपने मेंबरान 130 है, सिंपल मेजोरिटी 173 है, तो उनके साथ और मेंबर किधर है जी, इस तरह रूल कर रहे हैं एग्जैक्टली। अगर ये उनको ठीक है, अगर इनके एम वाले वैसे गप लगा रहा है उनके साथ अंदर मिले हुए फिर वोट देते हैं, एनपी वाले भी फिर देते हैं, फ्लावर भी देते हैं, तो और बात है, मगर फिलहाल जो चीज हमें कौम को नजर आ रही तो वही लोग तो मुखालिफत कर रहे हैं, तो उनके साथ तो मेजोरिटी है नहीं, उनको एतमाद देना चाहिए, एतमाद के वोट खुद लेना चाहिए कि आया हमारी मेजोरिटी है कि नहीं, अभी तो नजर नहीं आ रही। तो जैसे कि बताइएगा कि जो MKM और ANP की आप बात करें कि नूरा कुश्ती हो रही है, यानी एक तरफ शो करते हैं कि हुकूमत की मुखालफत है और बाद में एंड टाइम पे हो सकता है उसके हाथ में चले, मैं आप भी ये कहता हूँ कि उनकी नूरा कुश्ती का क्या क्या मुझे लग रही है, दोनों हुकूमतों में बैठे हुए हैं और वो अपनी हुकूमत में किस तरह मतलब है कि वो कहते हैं कि ये ना MKM वाले गवर्नर हाउस खाली करने के लिए तैयार है और ना वही ANP वाले अपनी हुकूमत वो फ्रंटियर में गिराने के लिए तैयार है, तो मेरे ख्याल में वो तो है पूरा कुश्ती जारी है, और ना नून वाले इसके लिए तैयार है, मैं ये भी साथ जमा करता हूँ, तो नून वाले भी चीज में लाइन नहीं है कि कोई चेंज आ जाए कोई हो जाए, मगर वैसे आवाम की वही फेस सेविंग के लिए और इस तरह पोलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए लगे हुए है कि हम मानते नहीं मानते, बहरहाल मतलब है कि अभी रियल अपोजिशन सामने आई ही नहीं है, मगर जो बात चल रही है सही महारी अभी हुकूमत इसके पाबंद है पाउंड है कि उसको फौरन RGST से पहले एतमाद को वोट लेना चाहिए। सही, तो ये बताइएगा जो काफ लीग के साथ कुछ रबतों की अफवाहें या खबरें सामने आती रहती हैं वो सब गलत हैं, कोई रबते नहीं है हुकूमत के साथ काफ लीग के? मैं हमारी जो लीडरशिप है उन्होंने कह दिया है कि नहीं रबते कोई बात नहीं, रबता हर एक के साथ होना चाहिए, अभी तो ज्ञान इसके इनकार नहीं करते, रबते होने चाहिए कि हम इस मुल्क का हिस्सा है, सिस्टम का हिस्सा है, हम सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है, पब्लिक रूट हमें सेकंड लार्जेस्ट पार्टी की तरह मिले पीपल पार्टी के बाद, और हमारे अब भी 54 सीटें असेंबली के अंदर, तो राबते होने चाहिए, ये बात नहीं कि राबता, अगर मुल्क की बेहतरी की कोई बात हो तो हमें सपोर्ट भी कर लेना चाहिए, हम समझते हैं कि मुल्क उसका मुतामिल नहीं हो सकता है मुखालिफत पर मुखालिफत, सही कोई चीज इस तरह ले आएगी जिसमें कौम का फायदा हो तो बिल्कुल हमें भी इतमाद में रहे हम सपोर्ट करेंगे, मगर अगर कोई चीज जिसमें कौम का फायदा ना हो नुकसान हो जी हाँ, तो यानी रबते होने चाहिए, रबते होने चाहिए, बारगेनिंग नहीं होनी चाहिए, ये वेरी मच क्लियर जी हाँ, बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया जी साहब, इंशाल्लाह आपसे फिर रबता होगा। इंजीनियर अमीर मुकाम हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर गुफ्तगू कर रहे थे, मुस्लिम लीग काफ से उनका ताल्लुक है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नाम से रजिस्टर्ड है, और उनका भी यही कहना है कि रबते तो हो रहे हैं लेकिन नाजिन अहम बात यह है कि सिर्फ रबते रहने चाहिए, बारगेनिंग नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि जब रजा राज का नाम सामने आया था तो उस वक्त भी इंजीनियर अमीर मुकाम ने खुलकर तहफ़ुज़ात का इजहार किया था, और उनका यह कहना था कि इंडिविजुअल डिसीजन था,
ज़ाहरा मुस्लिम लीग काफ के अंदर जो मुख्तलिफ धड़े हैं आपके इल्म में हैं, कुछ लोगों ने अपनी जमातें ही बना ली, मुस्लिम लीग काफ का शराजा तो बड़ी तेजी से बिखर रहा है। सोचना यह है चौधरी बरादरान को और उनके तमाम लोगों को किस तरह अपने लोगों को इकट्ठा रख सकते हैं और खासतौर पर आवाम के अंदर अपना इमेज किस तरह बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि आज नहीं तो और 2-2.5 साल बाद दोबारा इनको आवाम के पास तो जाना ही है, और अगर इंतखाबात में इनको कामयाबी नहीं मिलती या मुश्किल का सामना करना पड़ता है तो फिर ये खुद ही जवाबदेह होंगे कि इसमें असल कौन जिम्मेदार है। और खासतौर पर अगर RGST मंजूर हो जाता है तो ये तमाम सियासी जमातों की नाकामी होगी और ये साबित हो जाएगा किसी को आवाम का ख्याल नहीं है, सब पॉइंट स्कोरिंग में लगे हुए, जो कि माजी में बदकिस्मती से हमारी रवायत रही है। इस पर मजीद बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद, देखते रहिए व्यू पॉइंट।